अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक मेरे सब्सक्राइबर थे जो कि मुझे कराची से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने ना मुझे शादी का इनविटेशन दिया था। सारे फंक्शंस में उन्होंने इनवाइट किया हुआ था लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि कुछ फैमिली में भी एक दो शादियाँ थी और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर भी शमूलियत करनी थी, तो मैंने कहा चले आप वहाँ पर कर लें, तो मैं ना वलीमे वाले दिन जो है वो हम मिल के दोनों चले जाएँगे। हमज़ा का भी आज पेपर है, रुशा के भी टेस्ट हो रहे हैं। रुशा की लॉन्ग जर्नी के चलता है, लॉन्ग क्लास चलती है, वो 3:15 बजे तक घर आती है और ज़ाहिर हमने 2 बजे हर सूरत निकलना है क्योंकि हमें गुलवाल जाना है। अच्छा, अभी है जी आज वलीमा, आज हम करेंगे वलीमे की तैयारी और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके साथ सारा जो ब्लॉग है वो शेयर करूँ। बाद मैंने शैम्पू कर लिए हैं, अभी ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया, अभी मैं जा रही हूँ सैलून। और मेरी लास्ट टाइम मैंने जिस सैलून से मैं तैयार हुई थी, जो मेरी फ्रेंड है, उन्हीं से आज मैं फिर तैयार होंगी। बस आप कह लें कि टाइप ऑफ कोलैबोरेशन ही है। अच्छा, और स्किन के लिए आज मैं आपको बहुत ही इंस्टेंट बड़ी ही ज़बरदस्त सी एक स्किन पॉलिश बताऊंगी जो कि हर्बल है। चलिए हम पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ड्रेस कौन सा पहनना है। ड्रेस से पहले तो ज़ाहिर है मोटू तपलू जो है, आप लोग पूछते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मोटू तपलू ये देखें, अब इनको पता चल गया कि कैमरा आ गया इनकी तरफ, ये देखें इनकी गर्दन उछल उछल के आ रहे हैं। आप स्टार बन गए हैं। इतने बेचैन हुए हैं ना कि हमें हमज़ा और रुशा नहीं नज़र आ रहे। और ये जो हमज़ा ने फ्लावर पॉट लिए थे, ये भी कुछ इस तरह के चल रहे हैं। अच्छा, इनको पानी भी दे रहे हैं, शायद गर्मी की वजह से मुरझा रहे हैं। और आपको क्या हुआ भाई, आप इतनी क्यों छलांगे मार रहे हैं कैमरा देख के? अच्छा, और शूज़ मैं ये वाले पहनूंगी, आज वलीमे का फंक्शन है, साथ में मैंने कहा मैं ये वाला क्लच ले लेती हूँ। साथ इसके ये दुपट्टा है, मैंने कहा ये वाला आज मैं ड्रेस पहनूंगी ब्लैक में, ब्लैक कोट शूज़ होंगे और ब्लैक इसके साथ क्लच जाएगा। अभी पहले हम लेंजेज जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेंसेज जो हैं वो ये वाले सिलेक्ट हुए हैं, ब्राउन ग्रे और ऑरेंज शेड में हैं ये, और मैंने कहा कि ये इस ड्रेस ब्लैक के साथ जाएंगे, अच्छे लगेंगे। ड्रेस और बैग जो है ये मैंने ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं सैलून। ड्रेस मैंने अभी तक चेंज नहीं किया क्योंकि सैलून में जाके चेंज करूँगी, और अभी हस्बैंड जो है मेरे वो बाहर किसी काम से गए हैं, बस मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो फटाफट आएँ और हम चले जाएँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी FW ऑर्गेनिक्स का स्किन पॉलिशर जो कि 100% प्योर और हर्बल है। अच्छा, इसकी प्राइस इतनी रीज़नेबल है कि आप घर में रह के सबसे बेस्ट सैलून से अगर आप स्किन पॉलिश करवाएं तो उस जैसे रिजल्ट आप सिर्फ 650 रुपीज़ में घर में बैठ के आप 10 दफ़ा हासिल कर सकते हैं। इस तरह की आपको पैकिंग में मिल जाएगा, तमाम इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं और इसको कैसे बनाना है अभी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने डिवेल्पर ले लेने हैं, तकरीबन 2 पार्ट्स आपने लेने हैं। इसे आप अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। 2 पार्ट्स आपने ले लेने हैं, यहाँ पर आपने स्टील का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। पाउडर का आपने 1 पार्ट ले लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप जो पाउडर है वो ज़रा कम जो है वो कर सकते हैं। 100% और जो है ये हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 16+ का हर उम्र का बंदा बंदी यूज़ कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा अगर आपने फेस को मॉइस्चराइज कर लें FW के शिया बटर के साथ, फेस को अच्छी तरह वॉश कर लें, लाइट सा मॉइस्चराइज कर लें, उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपने मॉइस्चराइज करके अपने फेस को साथ ही आपने इसके ऊपर स्किन पॉलिशर जो है वो अप्लाई कर देना है। अच्छा, एक तो इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी माइल्ड सी है, वो वाली सख्त ब्लीच वाली इसकी फ्रेग्रेंस नहीं है। और ये हार्ड से हार्ड बाल भी जो है ना उसको भी उसकी भी कवरेज ये देता है। लेकिन एक और बात बता दूँ, वो गंदे वाला गोल्डन नहीं ये करता, बहुत ही खूबसूरत सा बाल जो है वो आपके गोल्डन कर देगा। 15 मिनट तक आपने वेट करना है, आप इसे पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नेक पे, बाजू पे, पाँव पे, ओवरऑल बॉडी पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। अच्छा, और महीने में तकरीबन आप इसे 3 से 4 दफ़ा यूज़ करेंगे। अच्छा, स्पंज से सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर साफ़ किया है और आप रिज़ल्ट देख लें कि मेरे हाथ में और मेरे बाजू में कितना फ़र्क पड़ गया है। इंस्टेंट फेयरनेस के लिए और इंस्टेंट ग्लो के लिए द बेस्ट है। इसके बाद आपने अपने उतारने के लिए आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने उठ के अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया और रिजल्ट आप देख सकते हैं। स्किन पॉलिशर के आधे घंटे बाद तक आपने कोई अपने फेस के ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी। अगर आपको थोड़ी सी भी जलन का एहसास हो रहा है तो आप आइस यूज़ कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। और जस्ट जो है मैंने स्किन पॉलिश जो यूज़ की है, आप देख सकते हैं कि अभी मैं फ़ौरन ही मेकअप के लिए जा रही हूँ और कोई भी मेरी स्किन के ऊपर ना कोई निशान बना है, ना कोई मेरी स्किन रेड हुई है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है, बस उन्होंने एक काम करना है कि उन्होंने थोड़ा सा जो डिवेलपर है ना वो कम यूज़ करना है और जो पॉलिशर है वो ज़्यादा, क्रीम मतलब जो है ना वो ज़्यादा यूज़ कर लेनी है। और इंस्टेंट इसके रिजल्ट भी आपके सामने है कि मेरी स्किन जो है वो माशाल्लाह किस कदर जो है वो ग्लो कर रही है। जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो इतनी माशाल्लाह से फ्रेश आजकल आई हुई हैं कि अभी तो खाने के लिए मैं डेली फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ही मंगवा लेती हूँ और रमज़ान शरीफ के लिए भी मैं स्टोर करने लगी हूँ। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं,
आप लोग भी ज़रूर इन्हें खाया करें इस मौसम के अंदर, बेशक 3-4 डेली की अपनी डाइट के अंदर रखें, आपकी स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट है। और जब भी मैं किसी शादी पर या फंक्शन पर जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है, आप इस सैलून का नाम बता दें। और ये सैलून है जी सिग्नेचर मेकअप स्टूडियो बाय राबिया, ठीक है, सरगोधा में है। और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमेशा मेरा फ्री में मेकअप करती हैं, लेकिन इनका मेकअप बहुत अच्छा होता है। और मैं तैयार होकर घर आ गई हूँ, मेकअप मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है। इंस्टाग्राम के ऊपर इनके सैलून को मैंने जो है वो मेंशन कर दिया, और इधर भी मैं मेंशन कर रही हूँ। घर आती मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी थी, बस सिर्फ गोल्ड की पहनी है, और साथ में बच्चे नहीं जा रहे साथ, क्योंकि अभी 2:30 हो गई है, और अभी तक बच्चे जो है वो स्कूल से ही आए, और कैमरा जो है मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है। अब जैसा भी क्लिप शूट हुआ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम निकलते हैं, बच्चे अल्लाह खैर करे आ जाएंगे पीछे तो मम्मी के पास लेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटे का सफर है और काफी देर हो रही है। और हम निकल आए हैं घर से, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा रश है, क्योंकि इस टाइम सारे स्कूल्स को जो है वो छुट्टी हो जाती है, और अब तो बुलवाल जाना है हमने, और इतना बुलवाल रोड के ऊपर रश है ना कि आप सबके यकीन करें वाकई सोच है। हस्बैंड मेरे गए हैं मेलअप लेने के लिए, बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, भाई को मैंने कह दिया था कि आप स्कूल से उन्हें पिक कर लीजिएगा और अम्मी के पास ही बच्चे रहेंगे। बस मुझे थोड़ा सा होता है कि बच्चे जो है ना वो मैं मतलब मुझे कोई भी बड़ा मिस, आप पता है माओ का दिल भी नहीं लगता, और मेरा तो स्पेशली हमजा के बगैर तो बिल्कुल ही दिल नहीं लगता, मलाइका रुशा के बगैर भी नहीं लगता। चलो एक आध बच्चा साथ हो ना कोई साथ आसरा होता है, अल्लाह खैर करे आप पहुंचते हैं तो फिर मैं जो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सके इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी। इंशाल्लाह ये देखें, ये माशाल्लाह सारी बारात जो है ना ये पराठो में ही आ रही है, वाह जी वाह जबरदस्त, ये लग रहा है किसी चंगे वो जमींदार की शादी है, क्योंकि इनकी सारी जो बारात है ना वो फॉर्च्यूनर और ये पराठो सारी इन्होंने वही सजाई हुई है माशाल्लाह से, माशाल्लाह अभी तक आ रही है। हर मार्की हर होटल जो है वो भरा हुआ था। अब ये भी बता रहे थे कि हमें बड़ी मुश्किल से जो होटल है वो मिला था बुलवाल में, क्योंकि ये बुलवाल में रहते हैं, और इनका जो आज है वो वलीमे का फंक्शन था। मार्की बहुत अच्छी थी, जितना एक बुलवाल है सिटी उस हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, और अरेंजमेंट्स भी इन्होंने बहुत अच्छे करवाए हुए थे। और ये हैं जी हमारी प्यारी सी खाला, जिन्हें आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, इन्हें मैं प्यार से सारे खाला ही कहती हूँ, ये मुझे बेटा कहती हैं। और मैं जाते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे गजरे दिए कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल मंगवाए, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि आप आई हैं स्पेशल, इतना आपने टाइम निकाला है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ज़ाहिर इतनी इज्जत देना लोगों का मैटर करता है। ये प्यारी बेबीज़ जो हैं ये दोनों ट्विन्स हैं, और खाना माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का था सारा, जिस तरह जो वैरायटी होती है सैलेड की वो थी, बिरयानी थी, साथ में ढाका चिकन था, साथ में मटन बहुत मज़े का था। खैर मैंने भी काफ़ी आप कहे ना कि खूब खाया था खाना। और ये दोनों बेबीज़ माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं, ये एक तो ट्विन्स हैं और फिर ड्रेसेस भी इनके सेम होते हैं, और बिल्कुल मुझे तो पता नहीं चलता, दोनों को मैं देखती रहूँ मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें से हूरप कौन सी है और इसमें से मीरप कौन सी है। मैं दोनों को बस प्यार कर देती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल मेरे पास नहीं आती, कैमरे में वीडियो बनवा लेंगी लेकिन बिल्कुल मुझे लिफ्ट नहीं करवाती और बिल्कुल मेरे पास नहीं आते, लेकिन माशाल्लाह दोनों बहुत क्यूट हैं। और अब हो गया जी वापसी का टाइम, क्योंकि आगे मेरे हस्बैंड ने दोबारा से एक और शादी पे भी जाना है, और अभी मैंने इजाज़त जो है वो चाहिए है, मैंने कहा चले खाना भी हो गया था चलें जी। और टाइम ज़ाहिर है आप ये देख रहे हैं तकरीबन 6 बज गए हैं टाइम, देखिए शाम के 6 हो गए हैं, और अभी तक तो जो काफ़ी रिलेटिव्स हैं इनके इधर ही हैं, लेकिन हमने अब इजाज़त मांग ली है क्योंकि हमें अब देर। और अब हो गया जी वापसी का टाइम, मेकअप अल्लाह के शुक्र है मेरा वैसे का वैसे ही, एक जो सनलाइट है ना ये देखिए सन किस्ट, ये ना किस्ट दे रहे ना ले रहे दीदी। और मैंने बच्चों को ना रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था कि मेरे लिए ना चाय बना के रखो, क्योंकि चाय के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, और हमजा मुझे आके मिला है और इधर ला के मेरा चन्नू लेट गया। मेरे बेटे को भूख लग गई है, क्या खाना है मेरे बेटे ने? टेंडर पॉप्स खाने हैं, चिप्स, अच्छा चले वही बना देते हैं आपको। ये देखो टोमेटो पड़े हैं। हाँ जी टोमेटो पड़े, टोमेटो के चिप्स बनते हैं या पोटैटो के बनते हैं? पोटैटो।
लेकिन ये है कि माशाल्लाह से मलाइका रुशा ने घर को पीछे से बहुत ही मेंटेन रखा है, और रमज़ा जो है वो कार्टून्स देख रहा है, और अरुषा ने आते ही मुझे कह दिया कि मुझे कुछ बाहर से मंगवा दें। अरुषा का दिल कर रहा था कि वो खाएं जी माशाल्लाह से मंचूरियन और राइस, तो अरुषा ने ये मंचूरियन, चिकन मंचूरियन और साथ में राइस जो है वो ऑर्डर, और ये आपको सर्विंग करते हुए पता चल रहा होगा कि ये रुशा ने सर्व किए हैं, लेकिन इसमें रुशा की गलती नहीं है। जब वो डिलीवरी के लिए देने के लिए आए हैं तो ये थोड़ा सा जो बॉक्स था ना ये टूट गया था, इस वजह से थोड़ा सा ना ये मैसी हो गया, और कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए अभी मैं भी थोड़े से टेस्ट करूँगी, और घर वगैरह सारा जो है वो साफ था। अब रात के 8 हो गए हैं और स्किन पॉलिश के रिजल्ट माशाल्लाह से आपके सामने हैं। मेकअप में भी अभी तक कोई क्रैक नहीं बना, आप करीब से भी बेशक चाहे तो देख लें, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मेरा दिल है कि अपने लैशेज भी उतार दूँ, लेंस भी जो है वो भी निकाल दूँ, और बस अपने बाल शाल बांध दूँ, ड्रेस चेंज करूँ, बिल्कुल इजी हो जाऊँ। और आपका आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, स्किन पॉलिश को आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, इनको आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, और 16+ जो एज के लड़के लड़की हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।